मैम जो एम्स की रिपोर्ट आई है उसमें उसमें जो रिपोर्ट है वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर नहीं, सुसाइड। हम कैसे मान ले सर, हम नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते कि वो सुसाइड है। हमें जब तक वो रिपोर्ट नहीं दिखाया जाएगा, जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, हमारे सामने रिपोर्ट रखे, हमारे सवालों का जवाब दे, हमसे फेस टू फेस आमना सामना करे ना, हमसे बात करे ना उद्धव ठाकरे। आपके सवाल क्या? हमारे सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे ये बोल रहे हैं कि वो एक नशेबाज लड़का था इसलिए वो सुसाइड कर लिया, तो सारे लेते हैं बॉलीवुड में ना ड्रग्स, तो सारे क्यों नहीं मर गए? सुशांत जी क्यों सुसाइड किया, क्यों सुशांत जी मारा? और भी तो कोई मर सकता था, उसको मारा नहीं है, उसको मारा गया है, इसका प्रूफ हम ला के रहेंगे, कुछ तो हम लाए हैं, कुछ लाएंगे। लेकिन जो सुशांत जी के पिताजी हैं केके सिंह, उन्होंने जब बोला था कि एसीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद में नहीं हुआ, लेकिन अब सीबीआई जांच हो रही है। बिल्कुल सीबीआई जांच हो रही है और सीबीआई जांच तब तक चलती रहेगी, हम बंद नहीं होने देंगे तब तक कि सुशांत और दिशा को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम इस केस को आगे बढ़ाते चलेंगे और हम लड़ते चलेंगे। बॉलीवुड में जैसे ड्रग्स को लेकर जैसे हर रोज मतलब कि नए नए खुलासे हो रहे हैं कि नए नए सेलिब्रिटियों के लिए ड्रग्स के मामले में आए सामने आ रहे हैं। ड्रग्स की बात तो सर देखिए, वो तो उनके लिए आम बात है, वो कुछ भी करे, हमें वो सुशांत को क्यों मारे, क्यों उन पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे, तुम लोग नहीं लेते हो। दीपिका का नाम आया है, करण जौहर का नाम आया है, महेश भट्ट का नाम आया है, आलिया भट्ट का नाम आया है, ये सब कहाँ, शारदा कपूर का नाम आया है, ये सब आज कहाँ चल गए उद्धव ठाकरे? इनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि तुम भी तो ड्रग्स लेते थे, तुम क्यों नहीं मारे, तुम क्यों नहीं सुसाइड किए? और ये बोलते हैं कि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में था, तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट तो होगा ना, तो हमें दिखाए ना मेडिकल सर्टिफिकेट, हम देखना चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई उसके बाद? कुछ भी नहीं दिखा रहे हो तुम, ना हमारे सवालों का जवाब दे रहे हो, हम कैसे मान लें कि तुम सही हो? हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम समझते क्या अपने आप को उद्धव ठाकरे? हमारी वजह से तुम हो, तुम्हारी वजह से हम नहीं है। मुंबई सरकार को हम कुछ परेशान नहीं कर रहे हैं, ना हम कभी करेंगे, लेकिन वो जब तक सही न्याय नहीं करेगा तब तक वो तो वो है, उसकी पता नहीं हम क्या क्या याद दिला देंगे। अब मुंबई से दिल्ली में मामला हाईलाइट हो रहा है, दिल्ली में बिल्कुल दिल्ली क्या हम बिहार भी ले जा सकते हैं इस मामले को? हम कल हो के बिहार में कर सकते हैं आंदोलन सुशांत के लिए, दिशा के लिए? हो रहा है, आपको तो आप न्यूज देखा होगा ना कि पटना में हुआ था, अभी और अभी भी हो रहा है, अभी भी पटना में चल ही रहा है, कभी बंद नहीं होगा पटना में। क्या लगता है सुशांत जी को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा, 100% है कि नहीं मिल पाएगा। अगर मैं हारी बात बोल रही हूँ, हारी बात सबसे लास्ट बात, अगर न्याय नहीं मिला तो ना बॉलीवुड और ना ही गवर्नमेंट, अब बात चल जाएगी लड़ाई पे। क्या करेंगे फिर आपके बाद? हम पूरे बिहारी पहुँचेंगे महाराष्ट्र, जब मारपीट से ही सुलझेगा। तुम मेरे बंदे को जान ले सकते हो, तुम एक लड़की को बलात्कार कर सकते हो, तो क्या हम बिहारी कम है? महाराष्ट्र के लिए बिहारी हम कम है क्या? हम पहुंचेंगे जब मार काट सही होगा, जब गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, जब बॉलीवुड वाले को हमें हम खुद संभालेंगे, तो हमें गवर्नमेंट की क्या, हम वोट क्यों देंगे, क्यों बनाएंगे गवर्नमेंट, हम खुद लड़ेंगे ना। अरे जान भी जाएगा जाएगा, इसके लिए क्या डर है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, आप किसी से नहीं डरते हैं, किसी भी देश का, किसी भी देश का। मैं कहना चाहूंगा, सुशांत भी देश का बेटा है, दिशा सालियान भी देश का बेटा है, निशा भी देश का बेटा है, मैं तो कहता हूँ जिया खान भी देश की बेटी है। जो घरियाली आंसू जो कांग्रेस पार्टी रो रहे हैं यूपी जाके, हसरत जाके, और घरियाली आंसू ना रोए, कृपया करके महाराष्ट्र भी जाए जहाँ आपकी सरकार है, जॉइंट सरकार चल रहे हैं शिवसेना के साथ, और राजस्थान भी जाए जहाँ राजस्थान में भी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ भी जाए और घरियाली आंसू ना रोए। चाहती हूँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, कि उनसे उनको पता था, सबको पता था कि यहाँ पे 3 दिन से आंदोलन हो रहा है, आज लास्ट है, मगर किसी ने भी ना आवाज उठाया ना आया यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये जो बोल रही है राहुल गांधी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रही है कि हम जाकर देख के आएंगे तो हम बताएंगे कि केस का क्या है क्या नहीं है, तो सारी जनता को दिख रहा है, तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट जो दिया गया ये सूत्र बता रहे हैं, एम्स का डॉक्टर और सीबीआई खुलासा नहीं किया, जांच पूरी होने दीजिए, सीबीआई खुलासा करेगा इसमें कौन कौन है, कहीं ना कहीं इसमें आदित्य ठाकरे भी है और करण जौहर गैंग भी है, पूरे इंडस्ट्री को बचा रहा है। बिहार से क्या ले लिया?
डरना क्यों है? डरना क्यों? हम कुछ गलत कर रहे हैं? हम एक बंदे के लिए न्याय मांग रहे हैं। जो सब करते हैं वो नहीं किया तो गलत हो गया। तुम सब जो करते हो वो सही है। सलमान खान से डर लगता है क्या? तो वो डरते होंगे, हम नहीं डरते। हम नहीं डरते किसी से। हमें न्याय चाहिए तो चाहिए बस। और हम एक गवर्नमेंट को एक और बात बता सकते हैं, बीजेपी के लिए हम पर्सनली बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी भी इसमें साथ नहीं दी तो नो वोट, उसको उनको भी हम वोट नहीं देंगे। हम कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, हम कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। बिहार, अब दिल्ली यूपी का हमें कोई पता नहीं, लेकिन बिहार से एक वोट भी किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी, किसी भी गवर्नमेंट को नहीं। जब हम खुद से अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे तो हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमें गवर्नमेंट? जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तो राजनीति पार्टी डिबेट करती है, बैठ के डिबेट में चैनलों पर। आज कर नहीं रही है, आज क्यों नहीं कर रही है? तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, आज गवर्नमेंट कहाँ मर गई है? क्यों आज जनता के ऊपर लड़ाई छोड़ दी गई है? मुंबई सरकार की तो बातें हटा दीजिए सर। मुंबई सरकार और पुलिस, इनकी तो बातें हटा दीजिए, इनको तो डूब मरना चाहिए। इनके भी घर में माँ बहन होगी, इनकी माँ बहन के साथ कोई बलात्कार करे इनको कैसा लगेगा? क्या ये सह पाएंगे? नहीं। मैं पूछती हूँ उधर ठाकरे, तुम्हारी बेटी के साथ हो गया, तुम सह पाओगे? तुम बता दो, तुम सह लोगे तो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे दिशा का बलात्कार, लेकिन हम तुम्हारी बेटी का बलात्कार करवाएंगे? अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो हम भी सह लेंगे, बताओ। अगर तुम अगर सुशांत के मर्डर का बोलते हो, सुसाइड बोलते हो, तो हम भी तुम्हारे बेटे का मर्डर कराते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो हम भी सुशांत का केस बर्दाश्त कर लेंगे। सुशांत वाले मामले में बता दो, हम तुम सब पूछते हो उधर मिल पाएगा सुशांत जी को क्या? सॉरी, सुशांत जी को न्याय मिल पाएगा? 100 कोई मिल पाएगा सर? 100% मिल पाएगा? 100% तो 100% मिल पाएगा। नहीं इन्वॉल्व होगा, अगर उसका आदमी इन्वॉल्व नहीं होता तो इतना नाच का है कि उद्धव ठाकरे नाचते और सहते, समझे? सहने का उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे पहले अपनी गरीबान में झांक के देख लो तुम कि तुम हो क्या। बॉलीवुड वाले खुद तुम देख लो कि तुम हो क्या। बेबी पेंगुइन किसी पे उंगली उठाना, आंच ना उठाना। बेबी पेंगुइन नशेड़ी गजेड़िया की पार्टी में जाता है, हां, और ये पार्टी उसको अच्छी नहीं लग रही है। बॉलीवुड वाले ज्यादा से ज्यादा 5,000 हो तो तुम बहुत सही हो गए, गवर्नमेंट तुम सही हो गए। ये 2.5 लाख 2 करोड़ वो जानता है, वो बेवकूफ है, उनके पास दिमाग नहीं है। बॉलीवुड में तो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं बिगर गांजा नशेड़ के, मतलब कि बिल्कुल कोई नहीं है, सब करते हैं नशा, सब करते हैं, सब लेते हैं ड्रग्स, सब लेते हैं। धीरे धीरे सबका नाम आएगा, आप देखते चलो, सबका नाम आएगा। इतना बड़ा ड्रग्स कार्टेल मिलने वाला पहला बार हुआ है पूरा वर्ल्ड में, समझे कि नहीं? और खास करके इंडस्ट्रीज से सबको लेशन मिलता है, सिनेमा से प्रतिबंध मिलता है, समाज का लेशन मिलता है कि हम अमिताभ बच्चन को अच्छा मानते हैं, हम सलमान खान को अच्छा मानते हैं, हम फलाने को अच्छा मानते हैं। अगर वही लोगों से गलत संदेश जाएगा, हम सोचेंगे अरे जिसको हम देख रहे हैं पैसा देकर वही इतना बड़ा गंदगी कर रहा है, तो साला हम लोग को क्या ये लोग चूतिया बना रहा है? का असल चेहरा हम लोग अब समझ में आया कि उस समय यहाँ पर देश तोड़वा गैंग के फोड़वा गैंग के बीच में क्यों आई थी, अब समझ में आ गया कि अरे दीपिका ये तो मासूम नहीं, ये तो जहरीली है। मैं बता दूं, उस साल जो भी गवर्नमेंट हो, मैं बीजेपी के लिए भी बोल रही हूँ, कांग्रेस के लिए भी बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ, ये दिशा के बाद भी 3-4 रेप हुई है, कोई डिसीजन एक्शन इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? एक देश में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, एक बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, क्यों डिसीजन एक्शन नहीं लिया? पूछती हूँ मैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जवाब दे। राजनीति रोटियां
क्यों इसे, मैं एक मिनट सर ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि अगर इन केस को लेते भी हैं एक्शन या कुछ भी डिसीजन तो ये केस को लमराते हैं ताकि पूरी दुनिया वाले ये देखें कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ था, उसकी बेटी के साथ रेप हुआ था, जब तक